खतौली मंडल के नरेश पांचाल जी, जानसठ मंडल से हमारे मंडल अध्यक्ष सुंदर पाल जी, मंसूरपुर से योगेंद्र चौल, संदेश भाई यात्रा का शुभारंभ अभी राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से 12:30 बजे होगा। यह यात्रा पूरे लोकसभा क्षेत्र की यानी 5 विधानसभाओं की है और इसमें लगभग 10,000 मोटरसाइकिलें आज यात्रा को लेकर के निकलेंगी। ये यात्रा मुजफ्फरनगर के सारे मुखिया मांगों से होकर के राजकीय इंटर कॉलेज पर समाप्त होगी। हमारे सांसद संजीव आनंद जी और सभी विधायकों के प्रयास से और सभी कार्यकर्ताओं के, मंडल अध्यक्ष, संयोजक, विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष, सब कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ये बहुत शानदार और ऐतिहासिक रैली मुजफ्फरनगर के इतिहास में और प्रदेश के इतिहास में पहली बार होने वाली है, क्योंकि इस प्रकार का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सारी विधानसभाओं में आज ही है, यानी आज ही सारी रैलियाँ सारी विधानसभाओं के अंदर निकलने वाली हैं। तो निश्चित रूप से इस रैली के माध्यम से आज ये संदेश जाने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर सबसे मजबूत स्थिति में है। आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। जो जन कल्याण योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जनता के बीच में चलाई गई हैं, उन सब के माध्यम से आज जनता में बेहद उत्साह है। प्रत्येक परिवार का कल्याण हुआ, गरीबों की सरकार ये सिद्ध हुई है। और जैसा मोदी जी ने कहा भी है कि ये सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने ये योजनाएं शुरू की हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ कि पूरे परिश्रम के साथ और मुजफ्फर विधानसभा के कार्यकर्ता समय से पूरा आ चुके हैं। मैं उन लोगों देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे आज कमल संदेश बाइक यात्रा निकाला जा रही है हर लोकसभा क्षेत्र की। इसमें हमने किया है कि हर बूथ से 5 कार्यकर्ता जो बाइक सवार होंगे वो 5 बाइकें हर बूथ से आएंगी। तो जैसे मुजफ्फरनगर लोकसभा करीब 1800 बूथ हैं, तो उम्मीद है कि 9000 से ज़्यादा ही मोटरसाइकिल लेके कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे, कार्यकर्ता के साथ एक और होगा। तो एक तरह से संदेश है कि हर गांव स्तर से, हर बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और एक पूरी लोकसभा में एक संदेश देना है। 2019 का लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार, निश्चित रूप से चुनाव निकट है और कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा इस बारे में सोचते रहते हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है चुनाव के संबंध में, मुझे तो ऐसा लगता है।